हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करता है देन प्लीज लाइक माय वीडियो। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे चैनल के वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। और उसके साथ आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल का आइकन दिख रहा है, उस बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है एमएस पावर पॉइंट कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इस टॉपिक से मैक्सिमम एग्जाम, जैसे ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है, यूपीसीएल का एग्ज़ाम है, उसके अलावा केवीएस के एग्ज़ाम है, सीपीटी, जहाँ भी कंप्यूटर में एमएस ऑफिस आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एमएस पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज़ से ज़रूर आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन क्या है, मैं आपको फंक्शन और उसकी शॉर्टकट की साथ में बताती जा रही हूँ। देखिए, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल और प्लस बी, ये जो बीच में डैश लगा है, आपको जो ये समझना है कि कंट्रोल के साथ बी प्रेस करते हैं। तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, क्लोज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करते हैं, कॉपी करने की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी होती है, कट करने के लिए, कट मतलब एक जगह से आपको हटाना है और दूसरी जगह उसको पेस्ट करना होता है, तो पहले आप कट करते हो, तो वो वहाँ से हटाने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स हो गया, ठीक है। फिर पेस्ट करने की क्या होती है, पेस्ट आप कट करके भी कर सकते हो या कॉपी करके भी कर सकते हो, तो पेस्ट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको दी हुई है, कंट्रोल बी, कंट्रोल डब्ल्यू, ये दोनों एक साथ प्रेस करनी है, शॉर्टकट की का मतलब ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंडो द लास्ट एक्शन, जो आपने लास्ट परफॉर्म किया है उसको हटाना है, अंडो करना है, तो उसकी की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड। अब प्रेजेंटेशन को सेव करना है, सेव द प्रेजेंटेशन, कंट्रोल प्लस एस होती है। अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है पावर पॉइंट में, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, अल्ट प्लस एन आप पहले प्रेस करोगे एक साथ, जिसमें भी प्लस लगा हुआ है वो दोनों चीज़ें साथ में प्रेस होंगी, ठीक है, अल्ट और एन साथ में प्रेस होगा। उसके बाद आप जस्ट जैसे ही आप प्रेस कर लोगे अल्ट प्लस एन, उसके बाद तुरंत आपको पी प्रेस करना है, तो आप इंसर्ट पिक्चर वाले पोर्शन में, सॉरी, तो आप इंसर्ट पिक्चर वाले पोर्शन में चले जाओगे, ठीक है। उसी तरह इंसर्ट अ सेव के लिए अल्ट प्लस एच प्रेस करोगे, उसके बाद एस प्रेस करोगे और उसके बाद एच, समझ में आ रहा है। अगर आपको सेव इंसर्ट करना है तो उसकी की क्या होती है, अल्ट प्लस एच फिर एस देन एच, तो ये आपको जो कॉमा वाले हैं वो एक के बाद एक प्रेस करने हैं, और जो प्लस में है वो एक साथ प्रेस करना है। नेक्स्ट है सेलेक्ट अ थीम, अगर आपको कोई थीम सेलेक्ट करनी है तो उसकी की क्या होती है, अल्ट प्लस जी और कॉमा एच, मतलब अल्ट प्लस जी साथ में प्रेस करना है, उसके बाद एच प्रेस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कोई स्लाइड लेआउट सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट अ स्लाइड लेआउट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट प्लस एच कॉमा एल। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, आप जब भी प्रेजेंटेशन बना रहे होते हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन अभी आप बना रहे होते हो, प्रेजेंटेशन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट पे जब प्रेजेंटेशन बनती है पावर पॉइंट में, और उसके बाद आप जब स्लाइड्स ऑन करते हो प्रेजेंटेशन ऑन हो जाती है, तो जब भी प्रेजेंटेशन बनती है ये उस टाइम के लिए दिए हुए हैं, जैसे गो टू नेक्स्ट स्लाइड, अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो पेज डाउन प्रेस करना होगा, कीबोर्ड में पेज डाउन की एक सिंपल बटन होती है उसको प्रेस करना है। अगर प्रीवियस स्लाइड में जाना है तो पेज अप प्रेस करना होगा। गो टू द होम टैब, होम टैब पे जाने के लिए आपको अल्ट प्लस एच प्रेस करना है, तो डायरेक्टली आप होम टैब पे आ सकते हो। मूव टू द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे जाना है तो उसके लिए अल्ट प्लस एन होती है शॉर्टकट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्लोज पावर पॉइंट, अगर आपको पावर पॉइंट को ही क्लोज करना है तो उसके लिए क्या होता है, अल्ट प्लस एफ कॉमा एक्स, पहले अल्ट प्लस एफ एक साथ प्रेस करना है उसके बाद एक्स। क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, अगर नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या होती है, कंट्रोल प्लस एन। चेंज द फॉन्ट साइज फॉर सेलेक्टेड टेक्स्ट, अगर जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करके रखा है उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है तो अल्ट प्लस एच प्रेस करना है, फिर एफ और फिर एस, ठीक है, तो ये होती है फॉन्ट साइज चेंज करने की। नेक्स्ट देखिए, चेंज द जूम फॉर द स्लाइड, अगर आपको जूम चेंज करना है, ये कितना परसेंटेज जूम है इसको चेंज करना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस डब्ल्यू कॉमा क्यू। फिर फाइंड करने की क्या होती है, फाइंड करने के लिए होती है कंट्रोल प्लस एफ। इटैलिक्स में चेंज करने की होती है कंट्रोल प्लस आई। नेक्स्ट देखिए, ये स्लाइड्स, ये जो कीज़ मैंने दी हुई हैं अब जो बता रही हूँ मैं, ये हैं स्लाइड्स जब ऑन है, मतलब कि आप प्रेजेंटेशन चला रहे हो उस टाइम पर आपको जो शॉर्टकट यूज़ करने हैं वो उसके लिए दिया हुआ है। स्लाइड्स जब ऑन होता है तो बिगिन द स्लाइड्स, सबसे पहले तो स्लाइड्स स्टार्ट करने की क्या होती है, सिंपल एफ़ फाइव
ठीक है, उससे स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। स्लाइड शो में आप देखिए ब्लैक स्क्रीन को शो करना है या हाइड करना है। स्लाइड शो चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर जो ब्लैक स्क्रीन आती है कभी आपकी स्लाइड शो में आपने देखा होगा, तो उसको अगर वो नहीं आ रही है तो शो करने की, और अगर शो कर रही है तो उसको हाइड करने के लिए, दोनों के लिए सिंपल बी बटन का प्रेस होता है, उसी टाइम पर ही आपको प्रेस करना है जब स्लाइड शो ऑन होता है। फिर स्लाइड शो एंड करने के लिए सिर्फ एस्केप के बटन प्रेस करनी होती है। अब स्लाइड शो जब चल रहा है तो एनोटेशंस को इरेज करना है, मतलब आप क्या करते हो कभी जब स्लाइड शो चल रहा होता है तो उस टाइम पर आप उसी स्लाइड पर भी कुछ लिख सकते हो, है ना, तो पॉइंटर होता है, उस पॉइंटर को आप पेन में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, जो एनोटेशंस होती हैं, जो भी लिखा हुआ है उसको इरेज करना है। स्लाइड शो पे आपने स्लाइड शो चलते टाइम पर भी कुछ एनोटेशन दी हैं स्क्रीन पे, तो उसको इरेज करने के लिए सिंपल ई प्रेस करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, स्लाइड शो में गो टू हिडन स्लाइड, हिडन स्लाइड पर जाने के लिए हाइड पॉइंटर एंड बटन टेम्पररी, मतलब कि जैसे स्लाइड शो चल रहा है उस टाइम पर पॉइंटर शो करता है, उसको आपको टेम्पररी हाइड करना है, परमानेंटली हाइड नहीं करना है, टेम्पररी हाइड करना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एच होती है। अब स्लाइड शो ऑन है उस टाइम पर माउस पॉइंटर टू एरो, जो माउस पॉइंटर आपको शो करता है उसको एरो में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करो स्लाइड शो चलते टाइम पर, ठीक है। फिर माउस पॉइंटर टू पेन, अगर उसी माउस पॉइंटर को आपको पेन में कन्वर्ट करना है, मैंने बताया था कि उसी टाइम पर आप अगर पेन में कन्वर्ट कर देते हो तो उसी स्लाइड चल रहा है उस पर आप लिख भी सकते हो जो भी आपको लिखना होता है। तो जैसे आप पेन में कन्वर्ट करने के लिए होती है कंट्रोल प्लस पी। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए, स्लाइड शो ऑन होते टाइम पर नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए एन होती है, प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए पी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MS PowerPoint की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज थी। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं MS Excel की मैंने बताया है, MS PowerPoint का बता चुकी हूँ, और MS Word की भी शॉर्टकट कीज लाऊंगी, और उसके साथ जो मेरे क्विजेस चल रहे हैं। तो आप देखते रहिए ऐसे ही वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।